तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे यूट्यूब चैनल रजाक्षा स्नेक रेस्क्यूअर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक इंडियन रॉक पैथन को लाए हैं, जिसको हम अभी रिलीज करने वाले हैं। सब हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं। ये लोग हमेशा हमारे जो प्राणी सेवा होती है, जंगल की रक्षा होती है, उसमें तत्पर लगे हुए होते हैं। तो इनके सम्मान के लिए, इनका सम्मान करने के लिए मैंने इनको बुलाया है, क्योंकि तो मेरे को ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये सब आपको नहीं पता चलता। इसीलिए मैं आपको इन सब के सामने, इनके प्रेजेंटेशन में, इनके प्रस्तुति में, तो मैं आपको एक रेस्क्यू किया हुआ जो इंडियन रॉक पैथन है, जो 8 फुट या 8.5 फुट तक का है, तो इसको अभी रिलीज करूंगा। इसमें से कुछ लोग हैं जो रेस्क्यू भी करना जानते हैं, जो नॉन वेनमस होगा वो स्नेक को ये रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इनके साथ मैं हमेशा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम कभी भी रखता हूँ, तो आज भी एक ऐसा प्रोग्राम में आपको शामिल करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल को एक जरिया बनाया। तो अभी मैं इसको बाहर निकलता हूँ, तो अभी हमारे दोस्तों का परिचय, सबका परिचय कराएंगे। तो आप बिल्कुल, साउंड। मेरा नाम श्रीशैल देवरमणि, डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर दांडेली, अर्बन टारगेट फॉरेस्ट गार्ड बर्ची, मणिकंठ वैद्य डीआरएफओ शिंगटगेरी, बीरप्पा नर्सरी वाचर। सर, मैं महेश फॉरेस्टर करके बर्ची रेंज में काम करता हूँ। अभिषेक यादव, डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, बर्ची रेंज में काम करता हूँ। तो ये है नायाब, ये मेरा भांजा है, बड़ी बहन का लड़का। और ये कामिल है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे छोटी बहन का थर्ड नंबर बहन का लड़का है। और ये इम्तियाज है, इसका फैब्रिकेशन वर्क है, मेरे बहुत सारे वर्क यही करके देता है, तो इक्विपमेंट्स जो भी बनाना है। तो अभी ये बहुत एग्रेसिव है, तो इसको हम लोग निकालते हैं बाहर। ये अभी हमेशा हमला करने की फिराक में रहता है, तो इसीलिए हम इसको जितना हो सके उतना दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो होता है, अजगर होता है, अजगर में और रसल स्वाइपर में कंफ्यूज हो जाता है उनको। अजगर का जो पैटर्न होता है, ये देखिए पैच है, इसका अनशेपेबल पैच होता है, जो एक टाइल्स का जो डिजाइन होता है उस तरीके से इसका डिजाइन होता है। रसल स्वाइपर में ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये शंकरपाली जैसा डिजाइन होता है, जैसा कली कली होता है, ऐसा कलियों जैसा डिजाइन होता है। और यहाँ पर दो जगह पर वो ज्वाइंट होता है, और उसके बाजू में, एक एक बाजू में उसका डिजाइन होता है। अभी इसका जो दुम ये लैप मार रहा है, हिला रहा है, ये हमको खतरे से आगाह कर रहा है कि ये अभी हम पर हमला करने वाला है। और वो सामने जब लोग दिख रहे हैं, उनके वजह से ये, इसका ध्यान बटा हुआ है, मेरी तरफ इसका ध्यान नहीं है। अगर इसको पता चले कि इसके पीछे मैं हूं, तो ये मेरे ऊपर हमला करेगा। तो इसकी खासियत है कि ये रसल स्वाइपर की तरह दिखता है, और रसल स्वाइपर को ज्यादा करके अजगर समझ लेते हैं, क्योंकि रसल स्वाइपर का जो साइज होता है 5 फुट का होने के बाद में, जब वो सेपरेट अलग से दिखता है, तो अजगर की तरह दिखता है। इसीलिए लोग कंफ्यूजन में, अजगर के धोखे में उसको पकड़ने जाके नुकसान उठा सकते हैं, मतलब उसको, उनका घात होता है, उसका हमले का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अजगर में और रसल स्वाइपर में अच्छे से डिफरेंस पहचानने की कोशिश करना है। इसके लिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग इसको यहाँ से पकड़ के नदी में छोड़ेंगे। इसके दांतों की बनावट और रसल स्वाइपर के दांतों की बनावट में डिफरेंस क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। ये अजगर की जो दांत की बनावट होती है, इसके अंदर इनके जो जहरीले दांत होते हैं वो नहीं होते। ये देखिए इसके दांतों की बनावट, देखिए इसके अंदर लगभग 200 दांत होते हैं। ये जो इसका जो ये बीच वाला एक दो लाइन होती है, ये जो है वो मूवेबल होती है, अपने शिकार को अंदर की तरफ धकेलने के लिए ये मूव होता है, ये आगे पीछे मूव होता है। और ये जो है ये स्टील रहता है, एक ही जगह पर रुका हुआ, और नीचे वाला भी। और ये जो इसका इधर है ना, इधर सांस लेने के लिए जबान होती है, ये अगर इसका शिकार अगर मुंह में गया तो ये बाहर आ जाता है, पाइप, ये पाइप नली जो है ये बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद ये अपने शिकार को निगलते हुए भी सांस ले सकता है। तो अभी हम लोग इसको, इतना ही इसके बारे में बताते हैं। अभी अब इसको हम पानी में छोड़ देते हैं, ये पानी में अच्छा तैराक होता है।
ये देख, यहाँ ले नजीक का, ये कितने फास्ट है देखो पानी में तैरने में। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें मैंने जो कुछ आपको बताया वो आपको पसंद आया या नहीं आया, आप मेरे जो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मेरा चैनल है रजाक्षा स्नेक रेस्क्यूअर, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। अभी हमारे महेश साहब है, ये भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। रजाक्षा एक जाने माने रेस्क्यूअर है और मैं तो कितने कम से कम एक 15-20 साल से देख रहा हूँ उनको, अच्छे रेस्क्यूअर है। और इनको आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तो इनका जो वीडियो देख के तो जो भी सांप जहरीला होता है वो इससे बचे। तो इनका कहना है कि जो बिना जहर का है और जो जहर का जहरीला सांप होता है यानी कि वेनमस और नॉन वेनमस, इसके बारे में मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूंगा। हर मेरे रेस्क्यू में मैं जो पकड़ता हूँ वो वेनमस है तो उसके बारे में बताऊंगा, नॉन वेनमस है तो वो क्यों नॉन वेनमस है मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है वेनमस में नॉन वेनमस में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते सबका मेरे तरफ से नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सेव नेचर सेव एनिमल सेव स्नेक्स।